हेलो, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मेरा नाम मोहम्मद बाबर है और आज की सिक्योरिटी क्लास में हम एक डायनामिकली ऐड फील्ड्स जो है वो बनाना सीखेंगे कि हम डायनामिकली किस तरीके से फील्ड्स को ऐड करवा सकते हैं। उसका एक एग्जांपल मैं आपको उनके सामने दिखा देता हूँ। जैसे ही मैं ऐड फील्ड को क्लिक करता हूँ तो हमारे सामने ये ब्लॉक शो होगा। इसके अंदर आप लिखते हैं फर्स्ट नेम, ठीक है, और नीचे आप इसका वैल्यू लिख देते हैं टेक्स्ट, ठीक है। फिर टेक्स्ट की वैल्यू आनी चाहिए, यहाँ पर एक वैल्यू ऐड हो गई। और एक और आप चीज़ ऐड करना चाहते हैं लास्ट, सॉरी चले पासवर्ड हम कर देते हैं पासवर्ड, और इसमें भी हम पासवर्ड रख लेते हैं। ये जो पासवर्ड है ये आपकी फील्ड की जो इनपुट वैल्यू होती है, टाइप होती है, ये वो है। और ये आपका सिर्फ यहाँ पर शो होने के लिए पासवर्ड शो हो रहा है। तो ये देखें, यहाँ पर आप इस पर लिख सकते हैं कोई भी वर्ड, और यहाँ पर जो आप लिखेंगे वो पासवर्ड में कन्वर्ट होगा। इस तरीके से अगर आप यहाँ पर लिखते हैं मेल, और यहाँ पर लिख देते हैं रेडियो और ऐड करते हैं, तो ये मेल आ जाएगा, रेडियो बटन आ जाएगा। इस तरीके से अगर आप यहाँ पर कुछ लिखते हो और यहाँ पर आप बटन लिखते हो तो यहाँ पर बटन आ जाएगा, ठीक है, ये वाला बटन। लेकिन इसके अंदर हम वैल्यू नहीं ऐड कर सके, तो ये हम बाद में देखेंगे किस तरीके से हम ये चीज़ें कर सकेंगे। तो हम अब इस चीज़ इस को बनाएंगे, लेकिन उससे पहले मैं अपना जो ये काम है इसको अरेंज कर लेता हूँ ताकि हम दोबारा से इसको बना सकें। और यहाँ पर जो सोर्स कोड है मैं इसको डिलीट कर देता हूँ और कोडिंग में भी आके इसको यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। सबसे पहले तो मैं यहाँ पर दो डिव्स बनाता हूँ, एक डिव डिवाइडी लेफ्ट और एक है डिवाइडी राइट, ठीक है। लेफ्ट के अंदर जो हम काम करेंगे वो ये है कि मैं इसके अंदर एक बटन बनाता हूँ, इनपुट टाइप बटन, जिसकी वैल्यू जो है वो मैं रख लेता हूँ ऐड फील्ड, और इसको इसकी आईडी में रख लेता हूँ बटन btn1। ये एक बटन आ जाएगा। इसके नीचे मैं एक डिव शुरू करता हूँ डी बॉक्स, और इसके अंदर मैं दो इनपुट वैल्यूज टेक्स्ट आईडी लेबल के नाम से रख लेते हैं इसकी, और दो ब्रेक्स डाल देते हैं इसमें, और इसको ही मैं कॉपी कर लेता हूँ। दो इनपुट वैल्यूज आ जाएंगे मेरे पास, और यहाँ पर इसकी वैल्यू कर लेता हूँ आईडी, और यहाँ पर ये टेक्स्ट जाने देता हूँ। दो इनपुट वैल्यूज आ गई, और इससे पहले जो है मैं लिख लेता हूँ लेबल, और इससे पहले मैं लिख लेता हूँ वैल्यू, और इसके नीचे मैं बटन ऐड कर लेता हूँ पुट टाइप बटन, और वैल्यू इसकी ऐड रख लेते हैं और आईडी इसकी btn2 रख लेते हैं। ये हमारे पास ये बटन वगैरह आ गए। इसको मैं इसका प्रीव्यू चेक कर लेता हूँ अपने ब्राउज़र में, तो ये कुछ इस तरीके से आएगा, ये ऐड फील्ड और इसके नीचे ये लेबल वैल्यू, और ये वैल्यू किस वैल्यू में लिखे हुए हैं, और ये हमारे पास वैल्यू की तरह से आएगा। अब सबसे पहले तो हम इसकी CSS कर लेते हैं। तो CSS के लिए मैं यहाँ पर आता हूँ, और यहाँ पर पहले तो बॉक्स वाले की मैं CSS कर लेता हूँ। बॉक्स को मैं विड्थ आ जाती है हमारी 250 पिक्सल, हाइट 150 पिक्सल, बैकग्राउंड कलर रेड, बॉर्डर रेडियस 25 पिक्सल, पैडिंग 25 पिक्सल, टेक्स्ट लाइन सेंटर, इसको इतना सा चेक कर लेते हैं पहले। तो ये कुछ इस तरीके से हमारे पास शो होगा, ठीक है। इसकी हाइट जो है वो मैं कम कर लेता हूँ, इस तरीके से हमारे पास ये बॉक्स शो हो रहा है। और इसके ऊपर मार्जिन टॉप भी है, टॉप
टर्न को ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है। और इसकी जो विजिबिलिटी है वो मैं नन कर देता हूँ, लेकिन विजिबिलिटी नन करने से पहले मैं यहाँ पर, चले विजिबिलिटी इसका यानी डिस्प्ले नन कर देता हूँ इसको, ताकि ये मुझे शो ना हो जब मैं पेज लोड करूँगा। अब मैं कोड के अंदर आकर तो ये कहता हूँ कि जैसे ही ऐड फील्ड पर क्लिक करूँ तो ये फील्ड आ जाए, और ऐड फील्ड पर दोबारा क्लिक करूँ तो ये गायब हो जाए। तो मैं यहाँ पर आता हूँ, पहले तो कोडिंग व्यू में आकर डॉलर डॉक्यूमेंट डॉट रेडी शुरू करता हूँ, और इसके अंदर मैं कहता हूँ कि जो भी आकर बटन वन को क्लिक करे, जो भी आकर बटन वन को क्लिक करे तो उसके ऊपर क्या अप्लाई हो, हैश btn वन को क्लिक करे, तो इस यहाँ पे क्लिक इवेंट मैं बना लेता हूँ। और यहाँ पे मैं इसको बताता हूँ कि इसकी आप जो हमारा बॉक्स वाला आईडी था, बॉक्स वाला जो डिव था बॉक्स, वो शो हो जाए, डॉट शो, सिंपल। इसको सेव करके आप रिफ्रेश करते हैं तो इसको क्लिक करता हूँ तो ये शो हो गया हमारे पास। सॉरी, यहाँ पे जो है ये एक्स डल गया हुआ, जिसकी वजह से मसला कर रहा था। ठीक है, तो ये ऐड करने से अब ये आ रहा है। तो लेकिन जब मैं इसको दोबारा क्लिक करता हूँ तो ये गायब नहीं हो रहा, तो मैं यहाँ पर शो लिख लेता हूँ, और इसकी शो ये की जगह पर मैं टॉगल लिख लेता हूँ। तो अब यहाँ पर इसको मैं क्लिक करूँगा तो आएगा, क्लिक करूँगा तो गायब हो जाएगा, लेकिन ये थोड़ा सा खूबसूरत नाराज भी नहीं हो रहा, तो मैं इसकी जगह पर स्लाइड टॉगल कर दूँगा, स्लाइड टॉगल का टी कैपिटल। अब मैं इसको करता हूँ तो ये थोड़ा सा खूबसूरत अंदाज में अप एंड डाउन हो रहा है। तो इस तरीके से ये तो हो गया हमारा, इसके अप एंड डाउन हो रहा है ये। अब मैं ये चाहता हूँ कि इसकी वैल्यू, इस बटन पे वो क्लिक करें तो इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू जो है वो हमारी अप्लाई हो जाए, उसके कन्वर्ट हो जाए हमारे टेक्स्ट फील्ड के अंदर। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर एक और क्लिक का फंक्शन बनाता हूँ, इवेंट क्रिएट करता हूँ, लेकिन इस दफ़ा बटन टू के लिए मैं वो क्लिक का इवेंट क्रिएट करूँगा, हैश btn टू, और यहाँ पर क्लिक का फंक्शन अप्लाई कर देता हूँ। और यहाँ पे मैं इसको कहता हूँ कि जैसे ही क्लिक हो तो दो वेरिएबल्स बनाओ। क्या वेरिएबल बने, एक वेरिएबल बने लेबल का, जिसमें लेबल की वैल्यू आ जाए, हैश लेबल की वैल्यू इसमें वैल्यू स्टोर हो जाए, और इसी के नीचे एक वैल्यू की वेरिएबल बना लेता हूँ, और इसमें वैल्यू की जो वैल्यू है वो ऐड हो जाए। यानी कि वैल्यू मैंने ये रखा हुआ था, यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे मैंने कोड के अंदर यहाँ पर एक लेबल, इसकी यहाँ पर आईडी लेबल दी हुई है और इसकी आईडी वैल्यू दी हुई है, तो मैं उसको आईडी की बेस पर कैच कर रहा हूँ। आईडी की बेस पर कैसे कैच कर रहा हूँ, कैसे पता चल रहा है, ये हैश साइन से मैं उनको कैच कर रहा हूँ, तो इसका मतलब मैं आईडी कैच कर रहा हूँ। अब मैंने उसको कहा कि जैसे इस बटन को क्लिक करे तो लेबल के अंदर ये वाली वैल्यू स्टोर हो जाए, और वैल्यू के अंदर ये वाली वैल्यू स्टोर हो जाए। और यहाँ पर मैंने एक डिव राइट बनाया था और उसको कैच करे, यहाँ मैं कहता हूँ डॉलर हैश राइट को कैच करें, राइट को कैच करें, और उसके अंदर अपेंड कर दें। अपेंड का फंक्शन मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बताया हुआ है, और अपेंड के अंदर सबसे पहले तो लेबल आ जाए हमारा, लेबल के बाद प्लस के बाद यहाँ पे कंकेटिनेशन हम कर रहे हैं। कंकेटिनेशन बेसिकली क्या होता है कि दो से दो या दो से ज़्यादा स्ट्रिंग्स को आपस में जोड़ने के अमल को कंकेटिनेशन को बोलते हैं। दो या दो से ज़्यादा स्ट्रिंग को आपस में जोड़ने का अमल, या एक स्ट्रिंग और एक इंटीजर को आपस में जोड़ने का अमल कंकेटिनेशन कहलाता है। तो अब हमारे पास यहाँ से जो वैल्यू आएगी वो भी एक स्ट्रिंग है, और यहाँ से जो वैल्यू आएगी वो भी एक स्ट्रिंग है। तो अब यहाँ से जो वैल्यू लेबल आ रहा है वो यहाँ पर ही आएगा, और वैल्यू जो है वो मैं यहाँ पर नहीं लिखूँगा ऐसे, क्योंकि अगर मैं ऐसे करता हूँ तो आपके सामने ये जो चीज़ है वो मैं दिखा देता हूँ क्या आती है। मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ और ऐड फील्ड करता हूँ, और यहाँ पर
ये लिख लेता हूँ और यहाँ पर टेक्स्ट लिख लेता हूँ और इसको ऐड फील्ड करूँगा। तो ये इसके नीचे ये पहली वैल्यू ये आ गई हमारे पास ये, और दूसरी वैल्यू टेक्स्ट आ गई यहाँ पे। लेकिन मुझे इसके अंदर थोड़ी सी स्पेस चाहिए, तो मैं एक और प्लस डाल के यहाँ पर ऐसे कर सकता हूँ, एक स्पेस मुझे यहाँ पे मिल सकती है इस तरीके से। अभी मैं फिर दिखा देता हूँ आपको। यहाँ मैं लिखा हेलो टेक्स्ट, ये देखो ये हेलो टेक्स्ट आ गया। लेकिन मुझे यहाँ पे इनपुट टाइप चाहिए, तो मैं वैल्यू की जगह पर वैल्यू नहीं डालूँगा, बल्कि यहाँ पर डबल कोट्स के अंदर मैं एक इनपुट टाइप शुरू करूँगा। इनपुट टाइप इज इक्वल, फिर यहाँ पर डबल कोट्स के अंदर जो है मैं प्लस प्लस और यहाँ पर वैल्यू लिख दूँगा, ठीक है। तो इनपुट टाइप वैल्यू आ गई, और यहाँ पर आके इसकी ये बंद कर दूँगा और इसी के आगे एक बी आर का टैग लगा दूँगा। सेव, और यहाँ पर आके रिफ्रेश करता हूँ और आप देखते हैं यहाँ पे मैं हेलो लिखता हूँ और यहाँ पर टेक्स्ट लिखता हूँ और ऐड करता हूँ। तो ये देखें यहाँ पर हमारे पास ये आ रहा है, लेकिन मैं ये चाहता हूँ ये हमारे पास इस साइड पर आए। तो मैं अपनी सीएसएस में जाता हूँ स्टाइल में, और स्टाइल में जाने के बाद मैं यहाँ पे जो लेफ़्ट वाला हमारे पास आईडी थी हैश लेफ्ट, इसको मैं फ्लोट लेफ्ट कर देता हूँ और हैश राइट जो है वो भी फ्लोट लेफ्ट हो जाती है, और इसकी जो विड्थ है वो मैं 300 पिक्सल कर देता हूँ। अब इसको मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ हेलो पासवर्ड ऐड, अभी देखो यहाँ पर ये आ रहा है। लेकिन जैसे मैंने ऐड को क्लिक करता हूँ, मैं कहता हूँ कि ये गायब भी हो जाए, ये वाला बॉक्स जो है वो भी गायब हो जाए। तो मैं फिर जेक्यूरी कोडिंग में आता हूँ और इसके अंदर मैंने एक ये फंक्शन अप्लाई किया है। मैं कहता हूँ जैसे BTN2 को क्लिक करते हैं तो ये तो फंक्शन अप्लाई हो ही हो, और इसके अलावा हमारे पास एक फंक्शन क्या अप्लाई हो कि ये जो बॉक्स है ये हाइड हो जाए। हैश बॉक्स जो है वो आ जाए स्लाइड अप। अभी देखो इसको ऐड क्लिक किया, योर पासवर्ड हेयर, ठीक है। और यहाँ पर मैं वैल्यू की जगह पर लिख देता हूँ पासवर्ड और यहाँ पे ऐड करता हूँ, तो ये अब गायब हो गया। तो यहाँ पर फील्ड भी ऐड हो गई और इसमें पासवर्ड की फील्ड आ गई। लेकिन एक और मसला है कि जब मैं दोबारा ऐड फील्ड को क्लिक करता हूँ तो इसमें ये पहले से मौजूद जो पासवर्ड है और ये वाली वैल्यू वैसे की वैसे रहती है। मैं ये चाहता हूँ ये भी अरेज हो जाए, तो उसके लिए मैं करूँगा पहले वाले बटन में आता हूँ, क्योंकि अब मैं ये चाहता हूँ कि जैसे मैं इसको दोबारा से क्लिक करूँ, यानी कि जब मैं क्लिक करता हूँ तो इसके अंदर जो वैल्यूज़ इनकी लेबल्स हैं वो ख़त्म हो जाए। तो मैं सिंपली यहाँ पर आकर इसको बोलता हूँ कि जैसे ही B1 को क्लिक करें तो डॉलर जो हैश वैल्यू है, सॉरी वैल्यू है उसको पकड़ो और उसकी वैल्यू जो है वो सिंगल कोट्स कर दो, यानी कि नल कर दो। और इसी तरीके से लेबल के साथ भी ऐसे करो, हैश लेबल लेबल करके इसको कॉलन वैल्यू और दो ब्रैकेट्स के दरमियान में सिंगल कोट्स, रिफ्रेश करते हैं। अब जब मैं इसको ऐड करूँगा यहाँ पे लिखता हूँ हेलो पास और यहाँ पे पासवर्ड लिखकर ऐड करता हूँ, तो ये हाइड हो गया, यहाँ पे फील्ड ऐड होगी और यहाँ पे कुछ भी लिखूँगा तो ये आएगा। लेकिन जब वैसे ही मैं ऐड फील्ड को क्लिक करूँगा तो वो वैल्यूज अरेज हो गई होंगी। हम दोबारा से इसमें कुछ लिख कर और यहाँ पर रेडियो ऐड कर सकते हैं, ठीक है। देखिए हमारे पास नेक्स्ट वैल्यू आ गई, फिर हम कुछ और लिख कर और यहाँ पर टेक्स्ट लिख कर तो ये वैल्यूज लेकर आ सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये समझ आई होगी कि हम किस तरीके से डायनामिकली वैल्यूज़ को ऐड कर सकते हैं, अपनी टेक्स्ट फील्ड को ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में मैं कुछ नेक्स्ट ट्यूटोरियल के साथ आपके पास हाज़िर होऊंगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।